अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई जैसी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने ये आधा किलो गोभी ली है, इसको मैंने धोकर अच्छे से इसका पानी निकाल दिया है। और ये 200 ग्राम के करीब आलू हैं, आप आलू गोभी बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने दो टमाटर बारीक काट लिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट ली है, 1 बड़ा प्याज ये बारीक काट लिया है, 2 तेज़पत्ते लिए हैं, आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इसकी जगह आप क्रश किया हुआ लहसुन अदरक भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून नमक लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/3 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, इसमें आधा चम्मच जीरा है, 1 छोटा दालचीनी की लकड़ी का टुकड़ा है, 2 काली इलायची हैं, 2 हरी इलायची, इनको मैंने खोल दी है, और थोड़ी सी हींग डालेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है, इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम गोभी और आलू को फ्राई करेंगे। देखिए गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है इनको, फ्राई भी हो गई और सॉफ्ट भी हो गई हैं, इनको हम निकाल लेंगे। और इसी तरह अपने आलूओं को भी हम फ्राई करेंगे। देखिए गोभी हमारी फ्राई हो गई, इसको हमने निकाल लिया है, इसी तेल में हमने तेल नहीं डाला है, उसी का बचा हुआ तेल है, इसी में हम आलू फ्राई कर लेंगे अपने। इसी तरह हम अपने आलू भी फ्राई कर लेंगे। देखिए आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो भी हम निकाल लेंगे। देखिए आलू गोभी हमारे दोनों फ्राई हो गए हैं, अब हम अपना मसाला तैयार करेंगे। तेल हमारा अभी भी गर्म है और ये वही तेल है, मैंने दूसरा तेल और नहीं डाला है। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जीरा, दालचीनी, काली इलायची और हरी इलायची, इसी में डाल देंगे हम थोड़ी सी हींग, ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से हो गई हैं, इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता, ये सारे मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, इसमें डालेंगे प्याज कटी हुई, इसको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्के से लाइट ब्राउन करना है। देखिए प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई, इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, आप इसकी जगह कटा हुआ लहसुन अदरक भी यूज़ कर सकते हैं, तो भी हम भून लेंगे। और ये भी डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए प्याज लहसुन अदरक हमारा अच्छी तरह से पक गया है, अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें ये मसाले डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, इन्हें भी हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए मसालों को हमने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है, अब इसमें हम अपनी ये सब्जी डालकर भूनेंगे। एक से 1.5 मिनट के लिए इसको भी हम भून लेंगे मसालों में। देखिए सब्जी और मसाले हमारे अच्छी तरह से आपस में मिल चुके हैं, 1 मिनट के लिए हमने इसको भून लिया है। इसमें हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आलू और गोभी हमारे फ्राई करने में ही आधे पक चुके थे, तो इसलिए हम हल्का सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इसमें।
और बिल्कुल स्लो हीट पर इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे ढककर। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए, सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक भी चुकी है और आलू और गोभी दोनों गल भी चुके हैं। ये देखिए गरम मसाला पाउडर हमने डाल दिया है, इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे पास आज हरा धनिया नहीं है। देखिए इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए आलू गोभी की सब्जी हमारी तैयार होगी, हमने अपने प्लेट में निकाल लिए हैं। कोई आप भी बनाइए, आप भी खाइए। ये हलवाई वाली सब्जी बहुत जल्द अपने घर में भी आप आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है। तो फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।